मधुर मुखी का अर्थ होता है मधुरम सुगंधम मुखम जस्या। जिसके श्री मुख से मधुर सुगंध हमेशा निकलता रहता है उसको मधुर मुखी कहते हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी को कहते हैं, हे मधुर मुखी, तब तनुवर गंधा संगिवाते न तन्वा शरीरस्य वा वर गंधस्ते न असंगो मिलनम जस्या अस्ति इति तेन बाते न। जिनके दिव्य शरीर से सुंदर सुगंध निकलता रहता है, चंद्रावली रकृत माली केली तलपा छलेन मधुपमिव कुंड तीरे मिलंतम मुकुंदम भिक्ष कदा अहम दर्पम करिष्ये। चंद्रावली के कुंज तल्प कुंज पर पड़े हुए श्याम सुंदर प्रिया जी के सौगंध लुप्त से मुक्त होकर के किसी छल से प्रिया जी के कुंज में आ गए। उस मुकुंद को वीक्ष उस श्री कृष्ण को देख करके अहम दर्पम करिष्ये। ये मंजरियों का दर्प है कि मैं वैसे श्री जी की सेविका हूँ जिनके सौगंध लुब्ध से मोहित होकर के प्यारे श्याम सुंदर चंदावली के कुंज से आ गए। पिछले श्लोक में आचार चरण दाम लीला का स्मरण हुआ था, गिरिराज जी की दान घाटी में सखियों से प्यारे श्याम सुंदर कर वसूल रहे हैं। अब याद करते हैं कि प्रिया जी के एक मधुर लीला का स्मरण कर रहे हैं कि प्रिया जी एक बार जैसे शरीर में दिव्य सुगंध निकलता रहता है, अलौकिक सुख के समुद्र में पड़ करके प्यारे श्याम सुंदर उन्मत्त हो बैठते हैं। आचार्य चरण उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि एक बार राधा रानी के दर्शन के लिए उन्मत्त होकर के राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कर रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण के विलाप में और मंजरियों के विलाप में अंतर है। श्री कृष्ण भी प्रिया जी के लिए विलाप करते हैं, प्रिया जी भी श्री कृष्ण के लिए विलाप करते हैं और मंजरियां भी विलाप करती है। इन विलाप में मंजरियों के विलाप में अंतर है क्योंकि विरह में भी इनको अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। कृष्ण के विरह में जो विरह में भी सुख है, महात्मा लोग कृष्ण के विरह में यदि रोते हैं तो उसमें भी दिव्य आनंद है। सखिये विरहो हुनक मधुर, विरह में भी मीठा मीठा आनंद आता है। विदर्भ माधव नाटक में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पीड़ा भी नवकाल कूट कटता ए प्रेम जार मने तार विक्रम से ही जाने। विरह और मिलन में जो सुख प्राप्त होता है वो प्रेमी भक्तों को ही पता है। जेनु विषामृत एकत्र मिलन, विष और मिलन का एक साथ मिलन है। यही रघुनाथ गोस्वामी विरह विधुर आचार चरण लीला राज्य में पुनः उनका मन चला गया। स्फुरण में स्वरूपावेश में स्वामी जी कुंड तट पर अभिशाल कर रहे हैं। प्रिया जी रोज प्रतिदिन अभिशार करती हैं, राधा कुंड पर आती हैं सूर्य पूजन के छल से
और मंजरियों के कंधे पर हाथ रख करके प्रिया जी चलती हैं। प्रिया जी इतना विरह के आवेग में रहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर से मिलन हो गया है और उस मिलन में कौन कौन सुख मिलेगा, उस सुख का अनुभव करके प्रिया जी का शरीर काम करना बंद करता है, बिल्कुल चल नहीं पाती। तो मंजरियों के सहारे प्रिया जी विचार करती हैं कैसे चलती हैं। चलते चरण चलती हैं प्रिया जी इस पृथ्वी पर, अपना एक एक पग रखती हैं चलते समय, तो उनके चरण में इतना दिव्य सुगंध निकलता है कि उस सुगंध से भौंरा प्रिय जहां जहां चरण रखते हैं वहां भौंरा मरड़ाने लगते हैं। चलते चरण संगे चल मधुकर, प्रिया जी का अभिशाद। चलते चलते उनके चरण जहां जहां पड़ता है तो मधुकर सौगंध लुप्त से मुक्त हो करके मकरंद पान करे लोग, मकरंद मधुकर वहां पार करने लगते हैं और उस सौरभ से उन्मत्त हो जाते हैं भंवरा। इतना उन्मत्त हो जाते हैं कि उस पृथ्वी को ही चूमने लगते हैं जहां प्रिया जी चरण रखती हैं, उस रज को वे लोग चूमने लगते हैं, सूंघने लगते हैं। प्रिया जी अपने एक एक पैर रख करके अभिशाद कर रही हैं, लगता है कनक लता ही इस पृथ्वी पर बिना अवलंबन का चलने लगा आकाश की बिजली। ये विधि के कितना बड़ा अद्भुत रूप है। प्रिया जी चल रही हैं तो चलते समय उनके पैर का नूपुर बज रहा है, सुमधुर ध्वनि हो रहा है, जैसे भौंरा गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार मंजरियों की सहायता लेकर के प्रिया जी राधा कुंड में प्रवेश करती हैं। राधा कुंड पर विविध प्रकार के कुंज हैं जिस कुंज में प्रिया जी जाती हैं। तुलसी मंजरी प्रिया जी को लेकर के उस संकेत कुंज में जा पहुंचती हैं जहां पहले से निर्दिष्ट है। वहां जाकर के प्रिया जी वासक सज्जा नायिका बनकर के उस कुंज की संभाल करती हैं, सजाती हैं। उज्जवल नीलमणि में श्री रघु गोस्वामी पाद कहते हैं संकेत कुंज में पहले जाकर के प्रिया जी जिन प्यारे श्याम सुंदर का इंतजार करती हैं उस नायिका का नाम है बासक सज्जा नायिका। बासक सज्जा नायिका अपने देह को स्वासक वसात कांते समेष्यति निजम बहु। संकेत कुंज को जो संभालती है और अपने निज बहु अपने शरीर को भी संभालती है सजाती है, सज्जी करोति गेहं च सा वासक सज्जिका। वासक सज्जा का नायिका का निरूपण श्रील रूप गोस्वामी पाद करते हैं कि स्मर क्रीड़ा का संकल्प राधा रानी संकेत कुंज में वासक सज्जा नायिका बनकर के बैठी हुई हैं और अस्मर क्रीड़ा का संकल्प कर रही हैं, कांत पथ का निरीक्षण कर रही हैं, सखी के साथ विनोद वार्ता कर रही हैं और बार बार दूती की ओर देख रही हैं, जिस दूती को मैं भेजी हूँ वो आई कि नहीं, और अनेक प्रकार की जो चेष्टाएं कर रही हैं प्रिया जी संकेत कुंज में बैठ करके प्यारे श्याम सुंदर का इंतजार कर रही हैं और नागर अभी तक आए नहीं। प्रिया जी एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। तुलसी मंजरी बार बार उस रास्ता को निहार रही है जिस रास्ते से प्यारे श्याम सुंदर आएंगे। प्रिया जी का कितना भयंकर कष्ट है इसको साधक नहीं समझ सकता है। आचार्य चरण कहते हैं कि मंजरी भावापन साधकों का सबसे बड़ा यही राधा रानी के सुख से सुखी और दुख से दुखी। उस समय जितनी भी सखी हैं मंजरियां हैं वो सब प्रिया जी के दुख से दुखी हैं कि अभी तक नागर आए नहीं और प्रिया जी बार बार श्याम सुंदर की इंतजार कर रही हैं। स्वामिनी के सुख दुख के तरंग में मंजरियां अपने मन को नियोजित की हैं।
स्वरूपा विष की जब तक उपलब्धि नहीं होगी तब तक साधक को उस रस का अनुभव होगा नहीं। खास करके जो वृंदावन में वास कर रहा है और मंजरी भावापन्न होकर के प्रिया जी के उन लीलाओं का स्मरण कर रहा है, उन साधकों को इस लीला में बिल्कुल स्वरूपाविष्ट होना पड़ता है। इसी का नाम है शरणागति। शरणागति का अर्थ होता है कि जो जो प्रिया जी को अच्छा लगे वही साधक करता है। शरणागति का अर्थ यह नहीं है कि हम खूब भजन करें और भजन करते करते भगवान का दर्शन होने की इच्छा रखें, तो ये शरणागति नहीं हुआ। अपने भजन के बल से जो भगवान को कैद करना चाहता है कि मैं इतना भजन किया हूँ तुम दर्शन दे दो, तो उस साधकों से तो भगवान अपना छुटकारा ले लेते हैं। चलो ये दर्शन करने के लिए नाम 1 करोड़ नाम जपा है, 30 लाख नाम, 30 करोड़ जपा है, तो चलो उसको दर्शन देकर छुट्टी दे। लेकिन शरणागति का अर्थ यह नहीं, हम साधक वही करता है जो प्रिया जी की इच्छा है। बस जोई जोई प्यारी करे, जोई जोई प्यारी भावे, प्यारी की इच्छा है वही साधक करता है, अपना अपना कुछ इच्छा ही नहीं रहता। भक्त के मन में कदापि इच्छा नहीं रहता है कि हमें भगवान का दर्शन मिल जाए, केवल प्रभु की प्रीति ही साधक की सर्वोपरि साधना है। और खास करके यहाँ ब्रज में जो वास करता है, ब्रजपुर होनीताल चरण आश्रय सार करु मन एकांत करिया, ये ब्रज में वास करके केवल एक ही लक्ष्य रखे कि कब मैं प्रिया जी की किसी सेवा में आ जाऊं। बस प्रिया जी विचार करते करते कोई सी भी सेवा का हम मेरा साधना का फल यही, भगवान का नाम भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं है। उपाय उसको कहते हैं जैसे नदी पार करने का नौका उपाय, पार कर दिए तो नौका को छोड़ दिया जाता है, उस तरह भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति का उपाय नहीं है। नाम और श्री कृष्ण दो है ही नहीं, एक ही वस्तु है। ये मत समझना कि नाम रट रहे हैं, इतना नाम रट जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे और नाम छूट जाएगा भगवान मिल जाएंगे। भगवान का नाम साधना अवस्था में भी और साध्य अवस्था में भी, मंजरियां भी अनवरत ठाकुर जी का नाम रटती है, नाम रटती नहीं है, नाम निकलता रहता है। साधक को भजन करना पड़ता है और सिद्ध को साधन करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। तो उसी तरह भगवत प्राप्ति के जो साधन है वो साधन ही साध्य है। जैसे नाम रटना साधन नहीं है, साध्य भी है। भगवान के वो मिल जाने के बाद भी नाम ही रटना है, नाम छोड़ना नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु हमेशा नाम रटते हैं, वो साधन थोड़े, उनका तो स्वभाव है। राधा रानी हमेशा नाम रटती रहती है, श्याम सुंदर नाम रटते रहते हैं। खास करके गौड़ी वैष्णव को अनन्य भाव से गोपियों का चरण आश्रय लेना ही सबसे बड़ा। गोपियाँ जैसे करती हैं, जो लीला की सोचती है, जो करती है, बस हम लोगों को भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य सेवा प्राप्ति, हमें प्रिया जी की सेवा मिल जाए, श्याम सुंदर की सेवा मिल जाए, ठाकुर जी किशोरी जी अभिसार कर रही हैं, प्यारे अभिसार कर रहे हैं, उस समय उनके सेवा लायक मानते, बस यही साधना का सार है। ब्रजपुर गोनितार चरण आश्रय सार, ब्रज गोपियों के चरण का अनन्य आश्रय ही भजन का सार है। और करो मन एकांत करिए, अपने मन को बार बार यही चिंतन करना है कि हम किशोरी जी की किस सेवा का उपयोग करें। ब्रज में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कदा श्याम श्री राधे चकित इह वृंदावन भूमिका। प्रिया जी अभिसार करते समय या कोई लीला करते समय मैं प्रिया जी की कौन सी सेवा का सहायक बन जाओ, हाँ राधे वृंदावन की चकित भाव से मैं बास करो। चकित भाव माने नाम रट रहे हैं लेकिन चारों तरफ अपने मन को आँख को कर रहे हैं, इसी को भजन कहते हैं। कब प्रिया जी कहाँ से आ रही हैं, कब किधर से दर्शन होगा, अभी सेवा का कौन सा अवसर है, नाम तो रट रहे हैं, आँख मूंद करके ब्रज में नाम रटने की व्यवस्था नहीं की गई। कहते हैं कि कैसे नाम रटना है, तो कदा श्याम
श्री राधे चकित इह वृंदावन भुवि। आंख मूंद करके नाम रट रहे हैं, आंख मूंद कर नहीं चकित दृष्टि से नाम रट रहे हैं। किधर से प्रिया जी का विचार हो जाए, कौन सी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। इधर प्यारे श्याम सुंदर में विलंब हो रहा है, प्रिया जी बार बार कुंज के बाहर निकल करके देखती हैं, पत्ता भी गिरता है तो सोचती है कि अब श्याम सुंदर आए, अब श्याम सुंदर आए। इस तरह वासक सज्जा नायिका होकर के किशोरी जी अत्यंत आकुल होकर के देख रहे हैं। श्याम सुंदर आने में लेट कर गए हैं, इधर इंतजार चल रहा है। वासक सज्जा नायिका जब बार बार अपने कुंज से बाहर देखती है कि अब श्याम सुंदर आए, अब श्याम सुंदर आए, उसको उत्कंठिका नायिका कहते। उत्कंठिता नायिका होकर के प्रिया जी बाहर बार बार देख रही है और उनकी आंख से आंसू भी गिर रहा है, क्योंकि जहां अतिशय प्रेम होता है वहां अनिष्ट की आशंका बनी रहती है कि आखिर क्या हो गया, इसलिए वे लेट कर गए। चंडीदास प्रिया जी के उस दशा का वर्णन करते हैं, बंधुर लागिया सेज बिछाई। प्रिया जी विचार कर रही हैं, मैं अपने प्यारे के लिए पुष्प सज्जा बनाई और सुंदर सुंदर माला बनाई कि जब प्यारे श्याम सुंदर आएंगे तो मैं उनके गले में माला पहनाऊंगी। पान का डब्बा तांबूल बट्टिका वहां पर रखी बनाकर, दीप जलाई, कुंज को प्रकाशित की, अब फिर भी प्यारे नहीं आए। लेकिन मैं जानती हूं, देखिए श्याम सुंदर की तरफ कभी दोष दृष्टि नहीं होती है प्रिया जी। श्याम सुंदर के मन एक एक गुणों की याद कर रही है प्रिया जी, अभी तक क्यों नहीं आए। से हेनो नागर गुणे रसागर काहे न मिलल कार, इस श्याम सुंदर क्यों नहीं आए। हम भी अपने सास की ननद को वंचना करके यहाँ पर आए कि श्री कृष्ण से प्यारे से मिलन होगा, लेकिन ये हमारा अभाग तो देखो। जब मैं अपने घर को छोड़कर सास और ननद को धोखा देकर के आ रही थी तो मन में बड़ा बड़ा साथ उमंग आ रहा था कि मैं अपने प्यारे से मिलूंगी, पथ पाने चाहिए कतो ना रहे, कतो बार बार सखी मंजरिया प्रिया जी को समझा रही हैं, लेकिन प्रिया जी बार बार प्यारे से आप सुंदर की याद कर रही हैं। रस शिरोमणि अभी अभी आएंगे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, इस प्रकार सखी मंजरिया प्रिया जी को समझा रही है और प्रिया जी उतावली होकर के कुंज से बाहर अपने दृष्टि को लगाए रहती है। श्याम सुंदर राधा के कुंज में अभी तक नहीं आए। कुछ कुछ मंजरियां कह रही हैं कि प्यारी देखो देखो ये पत्ता का और रास्ता में कुछ आवाज आ रही है, जरूर श्याम सुंदर आए। और श्याम सुंदर प्रिया जी के लिए आ रहे थे, आते आते जब चंद्रावली का कुंज रास्ते में मिला तो पद्मा और शैव्या ने आकर के श्याम सुंदर के रास्ता रोक लिया और उनको फुसला करके चंद्रावली की कुंज में ले। वहां चंद्रावली भी खूब सुंदर सुंदर पुष्प मल्लिका के द्वारा कुंज सैया बनाई हुई थी और प्यारे श्याम सुंदर को चंद्रावली रोक ली। श्याम सुंदर चंद्रावली को किसी तरह ठग करके निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में जितनी भी नायिकाएं हैं सब प्यारे श्याम सुंदर की सेवा में उन्मत्त हैं, सेवा करना चाहती हैं। उसी समय पवन सोचा कि अब मैं प्यारे श्याम सुंदर को किसी तरह ला दूं, तो प्रिया जी का अंग गंध वह पवन बहुत जोर से चला और जाकर के चंद्रावली के कुंज में वह पवन प्रवेश किया, जिस पवन के गंध में प्रिया जी का अंग गंध लगा हुआ।
अब श्याम सुंदर के घ्राण तक प्रिया जी के अंग गंध जब प्रवेश किया तो श्याम सुंदर अत्यंत परिचित उस गंध से तो परिचित है, वो चारों तरफ देखने लगे कि अरे प्रिया जी का ये अंग गंध कहाँ से आ गया, प्रिया जी कहाँ। अब तो सहसा श्याम सुंदर अधीर हो गए, प्रिया जी के रूप गुण लीला सब माधुरी उनके मन में प्रवेश कर गया। सहसा चंद्रावली के सैया से उठ करके खड़े हो गए श्याम और चंद्रावली से बोले प्रिय मुझसे बड़ी भूल हो गई। चंद्रावली प्रिय श्याम सुंदर के चरण पर गिर गई, क्या भूल हो गई कि जब मैं घर से आ रहा था तो माँ ने मुझको एक काम कहा था, उस काम को मैं नहीं कर पाया, अभी मैं काम करके आ रहा। इतना कह करके प्यारे श्याम सुंदर वहां से बड़ा व्यग्रता के साथ चलते। अब चंद्रावली देखी कि ये जा रहे हैं तो चंद्रावली कहती है कि प्यारे जल्दी आना। अब नागर तत्क्षणात राधा के अंग गंध का अन्वेषण करते हुए भृंग की तरह भौंरे की तरह जहां से ये सुगंध निकल रहा था वहां जाने के लिए तैयार। वही इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं तब तनुवर गंधा संग बातिन चंद्रा। जब प्रिया जी के शरीर का सुगंध जब प्यारे श्याम सुंदर के घ्राण तक पहुंचा तब तनुवर गंधा संग बातिन चंद्रा अलिकर कृत मल्लिकेलि तरपा छलेना। तो तत्काल चंद्रावली को भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण ने ठग दिया और ठग करके आए। मधुर मुखी मुकुंदम कुंड तीरे मिलंतम छोड़ करके प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के कुंज में प्रवेश करते हैं। नागर तत्क्षणात आए और कुसुम का मधुपान करते हुए मकरंद रस भरी सद्य प्रकृत स्वर्ण कांति ये गंध पाते ही प्यारे श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण भृंग भी देखिए सखी मंजरियों की कितनी भारी उत्कृष्टता है कि हम लोग राधा दासी हैं, राधा की किंकरी हैं, हम मंजरी हैं, देखो तो इस ब्रज में प्रिया जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, प्यारे श्याम सुंदर को रोकने की सामर्थ्य किसी भी में नहीं। मादनाख्य महाभाव मकरंद का घ्राण पाते ही राधा की राधा कमलिनी के निकट ये दौड़ करके प्यारे श्याम सुंदर आ गए। स्नेह है ना, ये मधु स्नेह प्यारे श्याम सुंदर को खींच लाता है। श्री राधा के असामान्य प्रेम का गौरव ही इस भूमंडल में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का प्रेम संपुट में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, कहते हैं कि यद्यपि सभी ब्रज रमणियों का प्रेम निरुपाधि है, साधारण नहीं है, ब्रज गोपियों को पद्मा सव्या इन लोगों का भी प्रेम साधारण नहीं है, श्री कृष्ण को अपने पास रखने की सामर्थ्य रखती है, तथापि श्री कृष्ण महाराज उस रस को जानते हुए वहां ठीक नहीं पाते हैं, ऐसी इनकी मधुमिमा है। अर्थात यह रस प्रिया जी का जो प्रेम है उस मेरु पर्वत के समान है जिसकी ऊंचाई पर कोई नायिका जा ही नहीं सकती है। और संसार की जितने भी लोग हैं उनका प्रेम कैसा है तो सरसोदनक से, और प्रिया जी का प्रेम कैसा है तो सुमेरु के समान, खास करके चंद्रावली पद्मा सव्या इत्यादि नायिकाओं का जो प्रेम है भाव है वो भी प्रिया जी के भाव के समान बिल्कुल एक सरसों के दाना की तरफ है। वस्तुतः प्रिया जी यहाँ पर उत्कंठा मान और कलहंतारिका तीनों प्रकार की नायिका बन करके प्यारे श्याम सुंदर को रस देती है, उत्कंठिता होकर के उनकी इंतजार करती हैं। जब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के नजदीक आते हैं तो आने के बाद मान कर जाते हैं, रूठ जाते हैं, ये प्रेम के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए मान होता है। और इसके बाद श्याम सुंदर अधिक अनुनय विनय करते हैं तो प्रिया जी डांट करके भगा देती, और डांट करके भगाने के बाद पुनः जब रोती हैं तो उस कलहंतरिता भाव कलह करके फिर उनके लिए रोना, ऐसी अवस्थाएं आ जाती है, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। ये जो रस है
कल हम तारिका आठों प्रकार के नायिकाओं का भाव ये सब प्रिया जी के श्री अंग में है, उस अंग का स्वादन प्यारे से आप सुंदर करते हैं। देखिए वो प्रिया जी का जो आनंद है, रस है, वह स्वयं चंद्रावली आदि को समानता का अनुमान कभी देने नहीं देगा। अन्यथा राधा प्रेम का तुलना इस जगत में है ही नहीं, चंद्रावली साधारण नहीं है, उसकी महिमा अलौकिक है, कोई भी उसको पा नहीं सकता है। लेकिन राधा रानी के प्रेम के आगे उसका प्रेम सरसों की दाना की तरह होता है। अब प्यारे से आप सुंदर प्रिया जी के रूप गुण से आकृष्ट होकर के प्रिया जी के निकुंज द्वार पर आ गए, तुलसी मंजरी कुंज के द्वार पर खड़ी है, नागर हाथ जोड़ करके तुलसी से, तुलसी मंजरी से कहते हैं, देखो मैं आ गया। उसर तो प्रिया जी उत्कंठिता नायिका बनकर के प्यारे श्याम सुंदर का इंतजार कर रही है। और जब प्यारे श्याम सुंदर आए और तुलसी मंजरी से कहे कि तुलसी मैं आ गया, नागर हाथ जोड़ करके तुलसी से कहते हैं, तुलसी देखो मैं आ गया, अब देरी मत करो, मिलान करा दो, मिलन करा दो। इतना सुनते ही तुलसी मंजरी धधक उठती है, हाथ में डंडा लेकर। देखिए नागर ये तुलसी मंजरी कितना बड़ा सौभाग्य। तुलसी मंजरी कहती है, स्वामी तुम्हारे लिए रो रो करके पागल हो गई, अस्थिर हो गया, तुम अब तक कहाँ थे, सच सच बताओ, यदि नहीं बताओगे तो मैं मिलन नहीं करने। देखिए मंजरियों का कितना बड़ा सौभाग्य। प्यारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके तुलसी मंजरी के चरण पर गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम एक बार स्वामी का दर्शन करा दो। तुलसी मंजरी भी अब कहती है कि देखो तुम्हारे लिए प्रिया जी रोते रोते अस्थिर हो गई। नागर ने सरल भाव से विलंब का कारण बतलाया। मंजरी से ठाकुर जी झूठ नहीं बोले, कहे कि अभी मैं चंद्रा के कुंज गए थे, जाकर तुलसी और क्षुब्ध हो गई कि चंद्रावली के यहाँ तुम गया था। यह सुनते ही इतनी देर हो गई, श्याम सुंदर उनके चरण पर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए इतनी देर हो गई। अब तो तुलसी मंजरी क्रोधित होकर के कहती है, जाओ अब तुम हमें मुंह अपना मत दिखाना। अब अधीर नागर तुलसी मंजरी के चरण पर पुनः गिर जाते हैं और सत सत अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नागर के गिड़गिड़ाने पर